हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आपकी गति अबाद है, कोई आपका मार्ग नहीं रोक सकता। हे वज्र के समान कठोर अंगों वाले महावीर, आपकी जय हो। हे कपियों के राजा, हे पवन पुत्र, हे सारे संसार के वंदनीय, हे गुणों के भंडार, आपकी जय हो। हे कर्तव्य प्रवीण, हे देवता, हे अविकारी, आपकी जय हो। हे शत्रुओं का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आपने माता अंजनी के गर्भ से जन्म लिया, तब देवताओं ने जय जयकार की। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज के अनुभव के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस ध्यान से देखिए, क्योंकि ये अनुभव देखने के बाद आप खुद कहोगे कि वाह, ये तो सिर्फ हमारे बजरंग बली ही कर सकते हैं। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, जय 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 हनुमान गोसाई। इस पंक्ति में हनुमान जी को गोसाई कहा गया है, गोसाई का अर्थ क्या है? ऑप्शंस है गुरु, गोपालक, जितेंद्रिय या फिर रक्षक। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। आज मैं आपसे अपना हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ा एक बहुत ही अद्भुत अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें हमने बहुत ही कठिनाई का सामना किया था। ये बात अप्रैल 2021 की है। जो आपको पता है, कोविड की दूसरी लहर कितनी खतरनाक थी। मेरे हस्बैंड को भी कोरोना हो गया था। उनके सर में बहुत जोरों का दर्द रहता, इतना दर्द कि हमसे देखा ही नहीं जाता। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट से मिले और उनके दिए हुए मेडिसिन से उनको और ज्यादा साइड इफेक्ट होने लगे, पर सर का दर्द वैसे का वैसा ही रहता। हम उनसे कहते कि आप भगवान का नाम लो, तब वो बहुत गुस्सा हो जाते, क्योंकि उनसे वो दर्द बर्दाश्त ही नहीं होता था। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक से वो सुबह उठे और बोलने लगे कि मुझे राइट आंख से कुछ भी नहीं दिख रहा, एकदम ब्लैंक हो गया है। हम बहुत डर गए कि क्या करें। हमें लगा कि कहीं ब्लैक फंगस तो नहीं हुआ। उसी दिन हम सबसे बड़े आंखों के डॉक्टर के पास गए। उन्होंने सारे टेस्ट किए और बोले कि इनकी आंख से ब्रेन को जो नस जाती है उसमें सूजन आ गई है, और उन्होंने कहा कि आप आज के आज अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से मिले और मेडिकेशन चालू करें, नहीं तो इनका विजन बचना मुश्किल है। ये सुनकर तो हमारे ऊपर तो जैसे संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। हमने उसी दिन रात को कैसे भी करके इनकी MRI रिपोर्ट निकलवाई और दूसरे दिन उन्हें एडमिट किया गया, और डॉक्टर ने कंफर्म किया कि इन्हें ब्लैक फंगस नहीं हुआ है। हम सब इतने स्ट्रेस में थे कि पता नहीं आगे क्या होगा। उस समय पता नहीं मेरे हस्बैंड को क्या हुआ। उन्होंने कहा कि जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो नीचे हनुमान जी का मंदिर है जो 200 साल पुराना है, वहां प्रभु के दर्शन करने जाएंगे। मैं इतने साल में एक बार भी वो मंदिर में नहीं गया हूँ। ये सुनकर मैं इतना खुश हो गई कि चलो, उन्होंने भगवान का नाम तो लिया। इससे पहले मैंने कभी भी हनुमान जी की भक्ति नहीं की थी, पर जब से मेरे हस्बैंड ने बोला कि हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, तो मैंने मोबाइल पे हनुमान दादा के वीडियोस ढूंढना शुरू कर दिया और आपका चैनल मिला और मुझे उनकी महिमा के बारे में पता चला। बस उसके बाद से ही मैंने हर रोज हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक पढ़ना शुरू कर दिया और प्रभु से मेरे हस्बैंड की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करती। जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरे हस्बैंड को 5 दिन में डिस्चार्ज मिल गया और उनकी आंखें अब सही सलामत है, और अब हम दोनों का हनुमान जी में बहुत विश्वास हो गया है और हर मंगलवार और शनिवार को उनके दर्शन करने मंदिर जाते हैं। फिर मुझे इच्छा हुई कि सारंगपुर जाकर श्री कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करूं, तो कुछ दिनों बाद मेरे भाई ने मुझसे कहा कि अगर उसे जॉब लग जाए तो वो मुझे लेकर जाएंगे उनके दरबार में। क्या बताऊं मैं आपको, सिर्फ 1 महीने में मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आज प्रभु की कृपा से मेरे हस्बैंड एकदम ठीक हैं और उन्होंने मेरे भाई बहन और मेरी और मेरे हस्बैंड की अच्छी जॉब भी लगवाई है। मेरे भाई बहन भी उनकी बहुत भक्ति करते हैं। जयेश भाई, आपको भी दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगी, क्योंकि आपकी वजह से मुझे हनुमान जी की भक्ति की शक्ति के बारे में पता चला। सबसे यही कहूंगी कि हमारे बजरंग बली तो सच्चे दिल से की हुई थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर परेशानी भले ही कितनी ही बड़ी हो दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने,
बजरंग बली की शरण में जो भी जाता है प्रभु उसके सारे संकट हर लेते हैं। इसलिए हनुमान जी को इस कलयुग के सबसे जागृत देव कहा गया है। तो ऐसे ही है हमारे बजरंग बली। और दोस्तों अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, हनुमान चालीसा की पहली तीन चौपाए में हनुमान जी के कितने नामों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शंस थे 3, 1, 4 या फिर 5 से अधिक। दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है 5 से अधिक। हनुमान चालीसा की पहली तीन चौपाए में हनुमान जी के 7 नामों का प्रयोग हुआ है, जो कि है हनुमान, कपिस, रामदूत, अंजनी पुत्र, पवन सुत, महावीर और बजरंगी। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया, उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है मेहर खंडेलवाल, बरनाली तालुकदार और मोनू कुमार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।